हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति सिंह। माया किचन में आपको स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ मटन मलाई रेसिपी बना के दिखाने। ये मैं अपने स्टाइल में बहुत ही झटपट बना के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी आसानी से बनती है और इसकी टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंस है। चलिए दिखाते हैं। और मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मटन मलाई रेसिपी के लिए चाहिए मटन। मटन मैंने यहाँ पर 500 ग्राम ली हूँ, जिसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके रखी हूँ। और चाहिए आपको 1 टेबल स्पून देसी घी, 1/2 कटोरी दूध। दूध को आपने क्या करना, आप क्वांटिटी के हिसाब से देना। अगर मटन आप बढ़ाते हो तो दूध की मात्रा भी बढ़ा देना। 1/2 कटोरी मलाई। मलाई हमने घर पे ही बना के मैंने दी हूँ। आप चाहो तो बाजार में भी मिल जाता है बहुत आसानी से, आप वहाँ से ले सकते हो। और दही मैंने लिया 1/2 कटोरी। 1 छोटी कटोरी के लिए जिंजर गार्लिक के पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कुछ हरी कटी हुई मिर्च है। मिर्च आप अपना स्वाद अनुसार देना, ज़्यादा तीखे खाते हो तो ज़्यादा देना, नहीं तो थोड़ा सा देना। और नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून चीनी, कुछ हरे कटे धनिया, 1 बटर के टुकड़ा, 1 लेमन जिसको मैं जूस निकल के रखी हूँ, 2 ऑनियन जिसको मैं बारीक ग्रेड करके रखी हूँ, और कुछ साबुत मसाला। साबुत मसाला मलाई के, जब मटन मलाई आप बनाते हो तब साबुत मसाले की बहुत ज़रूरी है। इसको ना तड़के में इस्तेमाल करना है। 4 लाल मिर्च साबुत, 2 दालचीनी के टुकड़ा, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1 स्टार फ्लावर, 4-5 पीस लौंग, 2 इलायची जिसको मैं क्रश करके रखी हूँ। अब मैं क्या करेंगे, मटन को मेरीनेट करके रख देंगे 1/2 घंटा के लिए। आपके पास टाइम है तो आप इसको 7-8 घंटा भी रख सकते हो। जितनी टाइम आपको मेरीनेट होगा इसको उतनी टेस्टी बनेंगे। अब मैं इसमें क्या करनी है, मेरीनेट के लिए दही डाल देंगे, जिंजर गार्लिक के पेस्ट डाल देंगे, लेमन की जूस डाल देंगे और डाल देंगे मलाई। नमक मैंने अभी पूरा नहीं देना, आधी देना है नमक, आप अपना स्वाद अनुसार देना। और मैंने इसमें दे देंगे काली मिर्च, काली मिर्च मैंने इसमें थोड़ा सा दिए हैं। अब मैं इसको क्या करने हैं, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। और मैं इसमें देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। इसको सारे सामग्री को देके मैं बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रख देंगे। ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इसमें दही और क्रीम में से थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलेंगे, और इस पर भी मटन से भी थोड़ा थोड़ा चर्बी की मात्रा होता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है नहीं। अब मैं इसको क्या करना है, 1/2 घंटे के लिए मेरीनेट करके रख देंगे फ्रिज में। 1/2 घंटे मेरा हो गया मेरीनेट हुए पड़े। अब मैं जा रही हूँ इसको कुकर में डाल के 4-5 सीटी दे के इसको पका लेंगे। अब देख सकते हो इसके पानी की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें ना दही के भी पानी है और इसके बाद मटन से भी पानी निकले है। दही यही वाले बर्तन धो के मैं हल्का सा इसमें पानी दे दिया, क्योंकि इसमें पानी की ज़रूरत है नहीं। अब देख सकते हो इसमें दही से मटन से सबसे पानी निकल आया। अब मैं इसको क्या करना है, 4-5 सीटी दे के मटन को गला लेंगे। गैस ऑन करके मैंने कुकर को चढ़ा दिया 5 सीटी के लिए। 5 सीटी दे दिए मैंने। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देते हैं। तब तक मैं क्या करते हैं, चूल्हे में कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई चढ़ा के गैस ऑन कर दिए। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैंने 1 टुकड़ा जो बटर लिया था वो दे देंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखना, चाहे आप चिकन चाहे मटन के कोई भी रेजा ला, चाहे अपने मलाई वाले चीज़ बनाओ, तो इसमें बटर बहुत ज़रूरी है। बटर देने में क्या होता है, इसके स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसमें मैंने लाल मिर्च लिया था जो 4 वो डाल दिए, इलायची डाल दिए, दालचीनी के टुकड़ा डाल दिए। क्यों, मलाई चाहे रेजा ला कोई भी चीज़ आप बटर के बनाओ तो इसमें खड़े मसाला बहुत ज़रूरी होते हैं,
और मैं डाल दिए साबुत जीरा। साबुत मसाला मेरा चपटक गया। अब मैं क्या करना है, इसमें हरी मिर्च जो काट के रखी थी ये दे देंगे। अब मैं इसमें डाल देंगे जो ऑनियन मैं ग्रेट करके रखे थे। इसमें आप पेस्ट बना के भी दे सकते हो, लेकिन ग्रेट करने से ना थोड़ा और स्वाद आते हैं। जब तक मेरा ऑनियन भून रहा है तब तक मैं एक बार मटन के देख लेती हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा मेरा मटन गल गया। मैं जाके देखिए पानी एकदम नहीं दिया तो भी कितने सारे पानी इसमें निकल आया। 5 सीटी में मेरा मटन गल गया। ऑनियन मेरा ब्राउन शेड में आ गए, आप देख सकते हैं इसके कलर चेंज हो गए। अब मैं इसमें क्या करना, जो मटन पका के रखे थे इसको मैं डाल देंगे। अब हम इसमें जो चीनी लिए थे वो डाल देंगे। नमक मैं पहले भी दिया, अब मैं हल्का सा नमक और जो काली मिर्च के पाउडर लिया था वो डाल देंगे। और लाल मिर्च मैंने इसमें से हल्का सा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने मिर्च पहले भी साबुत भी दे रखी हूँ और हरी मिर्च भी डाल रखी हूँ। मिर्च आप अपना हिसाब के देना। अब मैं जो दूध लिए थे ये डाल दें। इतनी अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से, जब आप बनाओगे तब आपको पता लगेगा। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रहा है इसमें से। अब मैं इसमें ढक देंगे, जब तक ये थोड़ा सा मसाला के साथ मिक्स हो जाएगा, पक भी जाएगा और थोड़ा टेस्ट भी आएगा। धीम आंच पे मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर इसमें आया हुआ है। अब मैं इसमें क्या करनी है, MDH के किचन किंग के जो गर्म मसाला ये डाल देंगे। और डाल देंगे मैंने जो कटी हुई हरी मिर्च धनिया लिया था वो डाल देंगे। थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रख लिए। अब मैं इसको चला लेंगे। फाइनली मेरा मटन मलाई बन के तैयार हो गया। अब मैं झाड़ू इसको साफ कर लें। अब इसको मैंने हरे धनिया से थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। मटन मलाई की रेसिपी बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी इतनी स्वादिष्ट है और ऐसे कोई मेहनत भी नहीं लगता। रेस्टोरेंट जैसा हम घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, माया किचन को सब्सक्राइब करनी भूलना मत।